हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज आपको फिर से एक और नए डिजाइन का डोरमेट बताने वाले हैं, जिसके लिए मैंने दो कलर लिए हुए हैं और दो कलर के मैंने दो गोले लिए हुए हैं और ऑरेंज मैंने एक ही कलर लिया है जिसको हम बीच में यूज करेंगे। तो आपको ये मैं बहुत ही प्यारा सा डोरमेट बनाना बताऊंगी, जो बनाने में बिल्कुल ईजी है। आप इसे किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने इसके लिए मोटी वाली 8 नंबर सिलाई ली हुई है और तीनों कलर की वूल को फोल्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको 30 फंदों से बनाना बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारा सा हमारा पायदान आपको कैसा लगा। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है बनाने में और बहुत ही इजी तरीके से आपको बताने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम फंदा डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल तरीके से ही फंदे को डालेंगे। तो 10 फंदा हमने अपना इस कलर से डालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो 10 फंदा हमने इस कलर से डाला है। आप अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपने इसी तरह से फंदे को लेना है और 10 फंदा हम अपना ऑरेंज कलर से डालेंगे और ऊपर फिर से हम अपना 10 फंदा इस दूसरे गोले से डालेंगे जिसमें हमने दो गोले लिए हुए हैं। तो आइए, 10 फंदा इससे भी हम ऐसे ही डालेंगे, ये देखिए, और 10 फंदा हमने इस कलर से भी डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना 30 फंदा ले लिया है, 10 फंदा इस कलर से लिया है और 10 फंदा ऑरेंज से और 10 फंदा फिर ग्रीन से ले लिया है। ये आपको हम बहुत ही इजी तरीके से बनाना बताएंगे, प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखें और आप इसे बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे भी तीनों उससे आपने फंदे को ऐसे ही लेना है, जैसे कि 20 यहाँ पे, 20 यहाँ पे और 20 यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये अपना 30 फंदा लिया हुआ है, मैं आपको 30 फंदों में बनाना बता रही हूँ। तो देखिए, फर्स्ट रो से ही हमारा डिजाइन बन जाएगा यहाँ पे, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये देखिए 10वां फंदा हम ऑरेंज करेंगे। तो देखिए, धागे को ऐसे पकड़ेंगे और ऑरेंज को ऐसे घुमाते हुए बना लेंगे। ये देखिए, ग्रीन वाला ऑरेंज कर दिया है। तो यहाँ पे ये देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, क्योंकि यहाँ पे फंदा हमने ग्रीन कर लिया है। तो इस साइड भी हम ऑरेंज वाला फंदा ग्रीन करेंगे, ये देखिए ऐसे। इस तरीके से और आगे के फंदे हम ग्रीन कर लेते हैं, ये देखिए इस तरीके से, 2 और 2, 4, ये देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने थोड़ा सा गलत कर दिया था, तो हमने सभी फंदों को उधेड़ दिया है। यहाँ से ये देखिए, हम ऑरेंज वाला फंदा अपना, ये देखिए, ग्रीन वाला ऑरेंज को बना लेते हैं और यहाँ पे भी मुझे अपना ग्रीन ऑरेंज करना है। तो यहाँ पे 12 फंदा हो चुका है ये। अब 9 फंदे हम इधर भी बनाएंगे, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9,
क्योंकि हमने दोनों साइड से अपना ग्रीन वाला फंदा ऑरेंज किया हुआ है। ये देखिए एक एक फंदा अपना कम कर लिया है। पहले हमने क्या किया था, ऑरेंज को ही आगे बढ़ाते गए थे क्योंकि हमने ऑरेंज को अब कम करना है, सॉरी बढ़ाना है और ग्रीन को कम करना है। अब सीधी सिलाई में तो जो फंदा जैसा है उसी कलर से हम इन्हें बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा डिजाइन है। ये देखिए इसको पीछे करेंगे और यहाँ पे अपना ऑरेंज कलर को आगे ले आएंगे। ये देखिए ऐसे क्रॉस करते हुए इस तरीके से सीधी सिलाई, हर बार हम जो जैसा रहेगा उसी कलर से हम बनाते हुए इन्हें कंप्लीट करेंगे। और प्लीज़ आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं प्यारा सा हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो देखिए यहाँ पे भी हमने ऑरेंज को पीछे किया है और नौ फंदा ग्रीन वाला बना लेते हैं। ये देखिए अब नौ की जगह हम आठ फंदा ही बनाएंगे। तो देखिए आगे हैं उल्टी साइड से, ये देखिए उल्टी साइड से ही हमारा डिजाइन बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए अब हमने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और ये देखिए ये वाला ग्रीन वाला कम किया है, आठ फंदा ही बनाया है। अब ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और ये देखिए एक इधर चौदह ग्रीन वाले ग्रीन से। तो यहाँ पे हमारा ग्रीन का जब तक पांच फंदा नहीं रह जाता है हम इसको उल्टी साइड से ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। तो देखिए किनारी को आप सीधा भी ले सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अब सीधी साइड को जो जैसा फंदा है उसी कलर से हम इन्हें बना लेते हैं और उल्टी साइड से आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स सीधी सिलाई मैंने बना ली, फिर से मैं उल्टी सिलाई पे हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे हम सात फंदा ग्रीन का बनाएंगे। दोनों साइड से हमारा फंदा ग्रीन वाला कम हो रहा है और ऑरेंज वाला बढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे दो चार पाँच छ और ये सात। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे करते हुए हैं, ये देखिए दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह। अब ये देखिए यहाँ पे हमने अभी जब तक हमारा यहाँ पे हमने तीन फंदे और बनाने हैं, ये देखिए एक दो तीन चार पाँच, दो फंदे और बनाने हैं दोनों साइड से। जब तक हमारे यहाँ पे पांच फंदे बचेंगे और ये ग्रीन वाले, उसके बाद मैं आपको फिर से डिजाइन को बताऊंगी। तो देखिए हमने उल्टी साइड से ही डिजाइन को बनाना है और आप इसे पुरानी चुन्नी और साड़ी में भी आराम से बना सकते हैं। फंदे को लास्ट वाले को सीधा ले लें, चाहे आप उल्टा भी बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सीधी सिलाई को हम सीधा बनाएंगे। तो चलिए मैं इतना करती हूँ इसको पांच फंदों तक। यहाँ पे पांच फंदे इधर रह जाएंगे और पांच फंदे इधर, एक एक फंदा ऐसे ही हमने अभी चार फंदों को और करना है, दो इधर और दो इधर, इसी में ऑरेंज वाले में पांच फंदे रह जाएंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने बना लिया है, इतना इसको बना लिया है। इधर आप ये देखिए एक दो तीन चार पाँच और इधर भी हमारे एक दो तीन चार पाँच और यहाँ पे ये देखिए दो 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 करके हम बता रहे हैं आपको,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो 20 फंदा हमारा ऑरेंज हो चुका है। ये देखिए इस तरह से अपना डिजाइन बनेगा। अब जैसे ही हम अपना बाहर की तरफ गए थे दोनों दोनों साइड से, वैसे ही अब हम यहाँ पे अंदर की तरफ आएंगे दोनों साइड से, जब तक यहाँ पे 5 फंदे ऑरेंज से नहीं रह जाएंगे। देखिए कैसे दो तीन चार पाँच, और ये देखिए अब ऑरेंज वाला कम करेंगे, पहले ऑरेंज को बढ़ा रहे थे, अब यहाँ से हम ऑरेंज वाले को कम करेंगे, अब हम अपना ग्रीन बढ़ाएंगे। तो देखिए दोनों साइड से वहाँ यहाँ पे हमारा ग्रीन वाला 6 फंदा हो चुका है, और ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, क्योंकि दोनों साइड से एक एक फंदा मेरा कम हो चुका है ऑरेंज वाला। 20 थे अब 18 फंदे रह गए हैं, और दोनों साइड 6-6 फंदे हैं। ये देखिए तो इसी तरीके से सबसे पहले हम अपना 5 फंदा कर लेते हैं, उसके बाद हमने जब यहाँ पे अपना 10 फंदे में से कम करना है, फिर मैं 10 फंदे रह जाएंगे, सॉरी मैं 5 बोली थी आपको, 10 फंदे यहाँ पे रह जाएंगे, तो आपको मैं फिर से दिखाऊंगी। तो देखिए सीधी साइड में हमने कुछ नहीं करना है, सीधी साइड को हम ऐसे ही जो जैसा फंदा है उसी कलर से हम बनाएंगे। तो आइए इतना हम कर लेते हैं, 5 फंदों को इधर ग्रीन कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा ग्रीन वाला 10 फंदा इधर हो जाएगा और 10 फंदा इधर, और बीच में 5-10 फंदा रह जाएगा ऑरेंज वाला, इसके बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो इतना मैं कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे इस साइड 9-9 फंदे हो गए हैं, 9 इधर हैं और 9 इधर हैं, और 10वां फंदा मैं आपको लास्ट वाला बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से ये बॉक्स बनेगा। तो देखिए 10 वाला फंदा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये देखिए 10। अब यहाँ पे हमारे ऑरेंज वाले भी 10 फंदे ही बनेंगे। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब इधर भी ये देखिए 10 फंदा ही बनेगा इस साइड भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और लास्ट का 10वां फंदा। ये देखिए किनारी हमारी बन रही है। अब ये देखिए यहाँ पे हम सीधी सिलाई में कुछ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा सीधी सिलाई को बनाने के बाद एक बॉक्स हमारा यहाँ पे बन जाएगा। देखिए इस तरह से कुछ ये डिजाइन हमारा बनेगा, और बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बनाना बताया है। ये देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी सिलाई को बना लेते हैं, वापसी हमारा डिजाइन फिर से ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको नीचे शुरुआत से बताया है। सीधी सिलाई को बना लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आपको फिर। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई भी बना ली। अब जैसे मैंने आपको यहाँ से डिजाइन बताया था वैसे ही ये देखिए 5-5 फंदे दोनों साइड से लिए हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड भी ऐसे ही है, जैसे ही 5 फंदे इधर कम किए थे दोनों साइड से, वैसे ही 5 फंदे आगे की तरफ कर लिए हैं। इसके बाद हम अपना यहाँ पे 10 फंदा डाले थे, तो 10 फंदा ही हमारा यहाँ पे आ चुका है। अब 10-10 फंदे दोनों साइड हैं। अब फिर से हम यही करेंगे, फिर से हम यहाँ पे 5 फंदों तक ऐसे ही 5 फंदों को ऑरेंज करेंगे। तो ऐसे ही हम इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, जितना भी बड़ा आपको चाहिए
तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको लंबा कर लेती हूँ। बिल्कुल सिंपल है बनाना इसको। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये एक फंदा ऑरेंज फिर से करेंगे जैसे शुरुआत से बताया था वैसे ही। तो चलिए थोड़ा सा लंबा करके आपको यहाँ पे फिर से दिखाते हैं कि कैसे इसको थोड़ा लंबा करते हैं। इसी तरह से बीच वाला बॉक्स हम ऐसे ही बनाएंगे, 5 फंदे बढ़ाएंगे फिर 5 फंदों को कम करेंगे, वैसे ही करते जाएंगे। और इसकी चौड़ाई लंबाई आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे बना लेती हूँ। सॉरी, यहाँ पे ऑरेंज वाला, ये देखिए ग्रीन वाला कम करना था, ये देखिए ऐसे। तो चलिए इसको बनाते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ, फिर दिखा देती हूँ आपको एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 3 बॉक्स अपने बना लिए हैं। इस तरह से ही इसकी लंबाई चौड़ाई आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 3 हमने बना के कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी का आपको जितना लंबा चाहिए आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसकी लंबाई और भी कर सकते हैं और आप इसे चौड़ाई भी कर सकते हैं। तो देखिए काफ़ी सुंदर यहाँ पे हमारा ये पायदान बन के कम्प्लीट हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं, इसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना बताया है। ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ वीडियो को अच्छे से पूरा देखें। बहुत ही कम समय में आपका ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसकी और थोड़ी सी लंबाई कर लेती हूँ, काफ़ी सुंदर लग रहा है।